माय चैनल और अपने आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और फ्लोइंग इवेंट की, विच इज डिस्कस थ्रो। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी शॉर्ट पट के बारे में। शॉर्ट पट भी एक थ्रोइंग इवेंट है और डिस्कस थ्रो भी ट्रैक एंड फील्ड का एक थ्रोइंग इवेंट होता है। डिस्कस थ्रो की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो डिस्कस थ्रो एंशियंट ग्रीक के पेंटाथलॉन का पार्ट हुआ करता था। उस वक्त डिस्कस थ्रो पेंटाथलॉन का पार्ट हुआ करता था, बट अब ये इसका पार्ट नहीं है। अगर बात करें एंशियंट ओलंपिक की, तब डिस्कस थ्रो इवेंट वहां पर हुआ करता था। डिस्कस थ्रो के बहुत सारे स्कल्पचर्स भी मौजूद हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि डिस्कस थ्रो जो है वो पहले से खेला जाने वाला एक गेम है। ओलंपिक्स की बात करें, यानी जो अब जो एथलेटिक इवेंट होते हैं, तो वहां पे डिस्कस थ्रो को डेकाथलॉन में तो रखा गया है, बट ये पेंटाथलॉन का पार्ट नहीं रह गया। डिस्कस थ्रो गेम को सबसे पहली बार ओलंपिक में 1896 में शामिल किया गया था, लेकिन उस वक्त जो इवेंट शामिल किया गया था वो सिर्फ मेंस के लिए था। डिस्कस थ्रो को विमेन के लिए 1928 एमस्टरडम में शामिल किया गया, यानी डिस्कस थ्रो को ओलंपिक में पहले ही शामिल कर लिया गया था। इससे ये प्रूव होता है कि जो डिस्कस थ्रो है वो एक ऐसा गेम है जो कि एंशियंट ओलंपिक का हिस्सा भी था। बात करें मॉडर्न एरा में डिस्कस थ्रो किस तरह से खेला जाता है या फिर इसके क्या मेजरमेंट्स होते हैं, तो इस वक्त जो डिस्कस थ्रो यूज होता है वो मेन के लिए 2 kg और विमेन के लिए 1 kg का डिस्कस थ्रो यूज किया जाता है। डिस्कस थ्रो एक सर्कुलर डिस्क होती है जो कि बीच से मोटी होती है और साइड से थोड़ी पतली होती है। इसकी डायमीटर की बात करें तो मेन के लिए यूज होने वाला 2 kg वाले डिस्कस का डायमीटर जो है वो 8.6 inch होता है और जो विमेन के लिए यूज होता है वो होता है 7.1 inches। डिस्कस थ्रो जो है वो कई तरह के एलिमेंट से बना हुआ होता है। डिस्कस जो है वो वुड से भी बना होता है, जिसकी साइड रिंग जो है वो मेटल की लगी होती है। वो पॉलीकार्बन का बना हुआ हो सकता है, वो ग्रेफाइट का बना हुआ हो सकता है, या फिर वो किसी रबर का भी बना हुआ हो सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के डिस्कस यूज किए जाते हैं, जैसे कुछ ऐसे डिस्कस जिनका वेट जो है वो चेंज किया जा सके उसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और कुछ ऐसे डिस्कस जो रबर के होते हैं वो भी ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अगर बात करें डिस्कस थ्रो के सेक्टर की या उसके लेआउट के बारे में, तो जो डिस्कस थ्रो का सर्कल होता है उसका जो डायमीटर है दैट इज 2.5 meter, यानी 2.5 meter का इसका डायमीटर होता है। इसकी रेडियस की बात करें तो दैट इज 1.25 meter। डिस्कस थ्रो में यूज होने वाला सेक्टर भी 34.92 degree का होता है, जो कि सेम होता है शॉर्ट पुट के सेक्टर एरिया के। वहां भी जो सेक्टर है उसका एंगल 34.92 degree होता है। जैसा कि हमने शॉर्ट पुट में पढ़ा था वैसे ही हम इसका भी बना सकते हैं। इस सेंटर से दोनों साइड हमें 4 meter पे एक एंड पॉइंट बनाना है। अब इन दोनों ही एंड पॉइंट से 5 meter की डिस्टेंस पे हमें एक कॉमन वर्टेक्स को फाइंड करना है। सेंटर्स और इस वर्टेक्स को अगर मिलाएंगे तो वो 3 meter होगा, यानी यहाँ पर एक राइट एंगल बनेगा, जो कि पाइथागोरस की हेल्प से हमें एक यहाँ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब हम इस लाइन को और एक्सटेंड करेंगे अप टू 38.158 meter। शॉर्ट पुट का सेक्टर बनाने के लिए हमने इस लाइन को 19.079 meter तक एक्सटेंड किया था। यहाँ पर हमने इसको डबल एक्सटेंड किया, दैट इज 38.158 meter। वहां पे हमने इसके साइड में 6 meter की लाइन बनाई थी, यहाँ पे हम दोनों साइड 12 meter की लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमने जो चीज है वो यहाँ पे डबल ले ली है। इस पॉइंट से हमने यहाँ भी 12 meter बना लिया, इधर भी 12 meter बना लिया, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ये है 90 degree का एंगल, और उसके बाद हम इसको इसके सेंटर से मिला देंगे। और इस तरह हमें यहाँ पर जो एंगल मिलेगा वो 34.92 degree का एंगल होगा। ये है इसका सेक्टर बनाने का तरीका। इसके सेंटर से दोनों साइड 4 meter राइट 4 meter लेफ्ट साइड जो है हम उसके डायमीटर को एक्सटेंड कर देंगे, और उन दोनों ही एंड पॉइंट के 5 meter के डिस्टेंस पे एक कॉमन वर्टेक्स को फाइंड कर लेंगे। अब इस कॉमन वर्टेक्स से हम इसके सेंटर को मिलाएंगे, जो कि 3 meter होगा। अब हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे 38.158 meter के बराबर। हमने शॉर्टपट में इसका जस्ट हाफ लिया था, दैट वाज 19.079, यहाँ पर हमने लिया है 38.158। वहां पर हमने यहाँ से 6 meter इधर और 6 meter उधर लिया था, बट क्योंकि हमने यहाँ पे इस लाइन को डबल लिया है तो हमने इसे भी डबल कर दिया, 12 meter इधर और 12 meter उधर लिया है। अब यहाँ के एंड पॉइंट को हमने सेंटर से मिलाया और हमारा 34.92 degree का एंगल तैयार हो गया। शॉर्टपट वाले सेक्टर में हमारी जो ये लाइन थी वो 20 meter की थी, बट यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो डबल हो जाएगी, यानी 40 meter की ये लाइन हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर आर्क बनाते हैं, जो
सबसे पहला आर्क है वो हम बनाते हैं 15 मीटर की डिस्टेंस पे, अगला बनाते हैं हम 20 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर अगला बनाते हैं हम 25 मीटर की डिस्टेंस पे, ऐसे हम 5-5 मीटर पे ऐसे कई आर्क बना लेते हैं, सो दैट हमें मेजरमेंट करना जो है वो इजी रहता है। शॉर्टकट में हमने पढ़ा था कि वहां पर स्टॉपिंग बोर्ड का यूज किया जाता है, बट यहाँ पर किसी भी तरह के स्टॉपिंग बोर्ड का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर जो सर्कल है इसे बनाने के लिए जिस रिम का यूज होता है, जो रिम है वो यूजुअली आयरन का बना हुआ होता है, उस रिम की जो चौड़ाई है वो 6 mm होती है और जो रिम है वो 60-70 mm डीप भी होता है। यहाँ पे किसी भी तरह के स्टॉपिंग बोर्ड का यूज तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो चीज यूज होती है वो है केज। डिस्कस थ्रो एक ऐसा गेम है जिसमें चांसेस है कि वो स्लिप होकर इधर उधर जा सकता है और किसी को चोट लग सकती है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इसके साइड में केज बनाया जाता है। जो केज है वो यू शेप का होता है और जो केज है उसका जो माउथ है ये कम से कम 6 meter वाइड होना चाहिए। ये दोनों जो है ये 5 meter की डिस्टेंस पे होते हैं और ये तीनों जो पॉइंट है ये सेंटर से कम 3 meter की डिस्टेंस पे होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जो ये केज है उसकी जो हाइट है वो कम से कम 4 meter होनी चाहिए, 4 meter से ज्यादा हो सकती है पर कम नहीं हो सकती। जो केज लगाया जाता है या फिर उसमें जो गॉज यूज किया जाता है उसमें इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो 25 meter per second की स्पीड वाले डिस्कस को भी रोक सके। अगर हम डिस्कस थ्रो के रिकॉर्ड की बात करें तो ये मैन का रिकॉर्ड जो है वो 74.08 meter है जो अभी तक का हाईएस्ट है। अगर वीमेन की बात करें तो 26.80 meter है। ये दोनों रिकॉर्ड्स हैं जो कि मैन और वुमेन के लिए हैं। अब बात करते हैं डिस्कस थ्रो को थ्रो करने के तरीके के बारे में और इसके फाउल के बारे में। डिस्कस थ्रो के सर्कल के दोनों साइड यहाँ पर 75 cm की लाइन होती है जो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड बनी होती है। ये लाइन जो है वो 75 cm लंबी होती है और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 cm होती है। एथलेटिक में यूज होने वाली सभी लाइंस की चौड़ाई जो है वो 5 cm ही होती है, चाहे सेक्टर बनाने के लिए यूज की जाने वाली लाइन हो या फिर इसके साइड में निकली हुई लाइन हो। इस लाइन का जो पर्पस है वो ये कि जब भी कोई डिस्कस थ्रो या कोई भी थ्रो फेंकता है तो वो हमेशा थ्रो करने के बाद इसके पीछे से निकलता है। कोई भी एथलीट जो है वो अगर इसके आगे से निकलता है तो उस थ्रो को नो थ्रो माना जाता है या फिर उसे फाउल बता दिया जाता है। जब तक डिस्कस थ्रो जो है वो लैंड नहीं हो जाता है तब तक एथलीट जो है वो इस सर्कल को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। तो ये थे डिस्कस थ्रो के बारे में मेजरमेंट्स और इसके सेक्टर का सारा एरिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए इवेंट के बारे में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।